राहुल वैद्य के फ्रेंड ने कमेंट किया है यहाँ पर कि राहुल वैद्य रुबीना को इसलिए पसंद नहीं करते होंगे क्योंकि लाउड एंड डोमिनेटिंग विमेन को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विमेन को सोवर होना चाहिए और रुबीना बहुत ज्यादा लाउड है। मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी पसंद नहीं करता। अब इस कॉमेंट पर, इस पूरे वीडियो के आंसर पर जो है एंडी का रिएक्शन आ गया है। वीजे एंडी जो कि शो को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, रिव्यू भी करते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस कमेंट के बारे में, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा जगवानी। भाई, मैंने आपको बताया किस तरीके से राहुल वैद्य के फ्रेंड ने जो है ये क्लेम किया है कि राहुल वैद्य को रुबीना इसलिए पसंद नहीं आती होंगी क्योंकि वो बहुत लाउड है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। और इस तरह की मेंटालिटी रखने वाले उनके फ्रेंड ने ये क्लेम किया है कि अगर वो भी राहुल वैद्य की जगह पर होते तो कुछ इसी तरह का उनका भी रिएक्शन रहता रुबीना दिलैक की तरफ। लेकिन अब इस पर आ गया है वीजे एंडी का रिएक्शन, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के रिग्रेसिव थिंकिंग वालों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि वो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदुइज्म की अगर उन्होंने बात की है, हिंदुइज्म में औरतों को शांत होना चाहिए, सोबर होना चाहिए, तो मैं बता दूं उसी हिंदुइज्म में बहुत सारी पावरफुल विमेन भी रही हैं। क्या काली और दुर्गा को आप नहीं जानते हैं जिनको माँ के रूप में पूजा जाता है? क्या आप शक्ति को नहीं जानते हैं जो पावर को सिग्निफाई करती हैं? तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हिंदुइज्म में पावरफुल विमेन का जो है स्कोप नहीं है, जगह नहीं है, या फिर विमेन को बस सोबर चुपचाप रहना चाहिए? अगर आप रक्त बीज बनेंगे तो फिर औरत का वो वाला रूप तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वीजे एंडी ने सीधे इस पूरे वीडियो पर दिया है जवाब, और कहीं ना कहीं राहुल वैद्य के फ्रेंड को दिया है करारा जवाब कि अगर आप रक्त बीज बन जाते हैं तो आपको इसी तरह का जवाब मिलेगा। और हिंदुइज्म में बहुत पावरफुल विमेन है, तो इस तरीके से ना बोले कि एक विमेन अगर लाउड है, डोमिनेटिंग है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले के बारे में, जहां पर राहुल वैद्य के फ्रेंड ने किया है एक बहुत ही घटिया सा कॉमेंट और उस पर वीजे एंडी का रिएक्शन? आइए करते हैं कॉमेंट सेक्शन में इसी की चर्चा, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और भी कई सारी खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।